सब आएगा बढ़िया। हाँ वो आपके स्टेयरिंग पे पैनल है, वेंटिलेटेड सीट है नहीं सर, वेंटिलेटेड नहीं है। बाकी इसमें वो ऐसे करके घुमाने वाला वो है जेस्चर कंट्रोल जी? नहीं इसमें नहीं, वो भी नहीं है। नहीं इधर चलो। हाँ इधर से कितने किलोमीटर क्या था आगे से हम फ्लाइवर के यू टर्न लेके आ जाएंगे। बाकी इससे कुछ फीचर्स वगैरह बताइए आप। चल देखो जैसा कि मैंने पहले बताया अगर आप फैमिली कार देख रहे हो तो फिर M3 फ्लाइवर पर चढ़ा के नहीं नीचे से आगे जान मिलेगा। तो M3 40i आपके लिए नहीं है ठीक है, वो GT है, 6GT या 3 सीरीज में से आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि फैमिली कार जो है वो उसमें आती है। ये स्पोर्ट्स कार की तरह है, परफॉर्मेंस कार है ये। बेसिकली वो लोग लेते हैं जो पावर चाहते हैं गाड़ी से, पिकअप चाहते हैं। इसकी एग्जॉस्ट से आप आवाज़ भी डिफरेंट आती है वो आप देख ही रहे होंगे एकदम पीछे। हाँ थोड़ा खाली रोड मिलेगा स्क्रैच करके देखते हैं। हाँ तो यू टर्न ले लिया यहीं से? हाँ यहाँ से यू टर्न। इसमें जर्मन कार की तरह नहीं है इंडिकेटर? हाँ इधर है से। बाकी इसमें म्यूजिक सिस्टम कौन सा आ रहा है? इसमें हरमन गार्डन का आएगा सर, हरमन गार्डन। हाँ बाकी इसके ORVMP बैटमैन वाला वो दे रखा है क्या सर? वो मतलब बैटमैन ORVM दे रखे हैं इसमें, मतलब लुक कैसे डिजाइन कह सकते हैं आप मोड पे नहीं है। स्पोर्ट्स पे जैसे ही करूंगा पिकअप और बढ़ जाएगी। अभी स्पोर्ट्स में है ही नहीं है इसमें, वो क्या कहते हैं अभी ये नॉर्मल था वो सनरूफ देखा ना पीछे ये यहां सेंटर एक बंदा निकल जाएगा। अभी मैंने स्पोर्ट्स पे कर दी लगा दिया स्पोर्ट्स। हां ये कार बनी पिकअप के लिए आपको 16 स्पीकर मिल जाते हैं, ये कनेक्टेड ड्राइव मिल जाती है, 4K डिस्प्ले आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, आप अपनी गाड़ी से कनेक्टेड रह सकते हो, डिजिटल की बना सकते हो। पूरा कनेक्टेड है दोनों? हाँ डिजिटल की बना सकते हो, अगर घर में किसी को गाड़ी चलानी है और चाबी नहीं है उनके पास तो आप अपने फ़ोन से उनको चाबी भेज सकते हो जी, उनका फ़ोन जो है वो की बन जाएगा। ये फ्लावर के ऊपर से? हाँ ऊपर। सर 8 से 9 की माइलेज आएगी सर, नहीं पता कहाँ से लेगा वो उसमें जाके देखना पड़ेगा, अभी आप ड्राइव करो। भाई स्टेयरिंग थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा? हाँ स्टेयरिंग ऐसे नहीं लेगी, अगर आपको गाड़ी को लगता है कि आपका ध्यान नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगी। जैसे मैं पूरा ध्यान रखता हूँ फिर सर? नहीं अगर आप टाइम पे ब्रेक ले रहे हो तो फिर एडास काम नहीं करेगा। अब नीचे से
पहले शिफ्टर से तो और फिर मैनुअल पे आ जाएगी सारी पावर अपने हाथ में आ जाएगी। हाँ वो फिर मैनुअल पे आ जाएगी। बाकी एक्सेसरीज में आप कुछ देते हो या अपने आप लगवानी पड़ेगी? सर उसमें एक 25,000 की किटी आती है, वो आप उसमें चूज कर सकते हैं। बाकी इसमें आर्मरेस्ट, इसमें स्पेस वगैरह कितना होगा? ठीक ठाक है। ग्लोव बॉक्स इसमें कोल्ड है क्या सर? नहीं नॉर्मल है सर। नॉर्मल है, नॉर्मल। बाकी सब कुछ नया फीचर इसमें ऐड ऑन हुआ हो? ये 4K डिस्प्ले कनेक्टेड ड्राइव जो है ये नया फीचर है जो ऐड हुआ है, पहले नहीं आता था ये अभी लेटेस्ट। बाकी ये स्पीकर्स लगे हुए पीछे, ये बूफर सिस्टम है बेस क्रिएट, ये ऑटोमेटिक आयर फ्रेम हो गया। बाकी अपना हाँ जी ठीक है। ऊपर ये माइक सिस्टम, ये SOS का मतलब कम, SOS का मतलब ये होता है सपोज आप किसी मतलब आप नहीं है कोई भी एक साथ भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है कुछ भी हो जाता है तो ये SOS बटन आप दबा के, बॉश सेंटर है हमारा कस्टमर केयर सेंटर, आपकी गाड़ी का कॉल कनेक्ट हो जाएगी। इन केस अगर आप मतलब एक आदमी अगर होश में है तो बात कर सकता है, अगर नहीं है तो 7 सेकंड के अंदर कॉल अपने आप कनेक्ट हो जाएगी और गाड़ी की लोकेशन जियो फेंसिंग कोऑर्डिनेट के हिसाब से कस्टमर केयर में शूट हो जाएगा ताकि वो एम्बुलेंस या पुलिस या उनको भेजना है वो भेज सके। ऊपर ही चलेंगे सर, ऊपर ही चढ़ाने फिर नीचे ऊपर गिर जाएंगे। थैंक यू। बाकी इसमें इसमें 360 सेंसर भी आते हैं और ऑटो पार्किंग भी आती है, गाड़ी अपने आप पार्क भी करेगी। स्पोर्ट्स मोड से हटानी हो तो? स्पोर्ट्स मोड से हटानी हो एक बार और कर दीजिए, नॉर्मल ड्राइव मोड पे आ गई। अच्छा रिवर्स असिस्टेंट भी आता है, 200 मीटर की गाड़ी रिकॉर्डिंग करती है 200 मीटर की। हाँ जब आप सपोज आपने गाड़ी घर से बाहर निकाली घर में तो बहुत काम आएगा ये, बाहर ही ट्रैफिक लगा हुआ है तो आप रिवर्स असिस्टेंट दबा दो जैसे गाड़ी बाहर आई थी वैसी गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी वापस। अच्छा इसमें ये भी तो होगा कि गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी? हाँ। करके ये वाला फीचर दिखाएंगे आप एक बार? ये वाला सर कई बार ना होता है कई बार नहीं होता, अभी नहीं मतलब कहीं जगह देखते पहले। अब आप धीरे चलाना आगे देखते हैं, पार्किंग सर्च करेंगे इस साथ पे सर्च करती है लेफ्ट हैंड पे सर्च करती है। हाँ अभी वहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो वो शायद सर्च ना करें, आप इधर ही ले लो धीरे धीरे स्ट्रेट वहाँ लगा देंगे सामने। ये अपने आप लेगी सर अभी? अभी नहीं लिया सर इसने और धीरे हमें चलाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली मैं बताता हूँ होता क्या, आप इधर लगाओ पार्क असिस्टेंट मैंने एक्टिवेट कर दिया, ये पार्किंग सर्च करेगी यहाँ पर, वो आपको बताएगी कि किधर पार्किंग है एरिया, वो आप पी लिखा आएगा, जैसे ही आप पी दबा दोगे उसके बाद गाड़ी आपको गाइड करेगी वहाँ पे लिखा आ जाएगा। अगर रिवर्स में डालने की जरूरत है तो आप रिवर्स में डाल दोगे, स्टेरिंग अपने आप घूमेगा सर, उसके लिए फिर जाना पड़ेगा आगे स्ट्रेच के लिए।